गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। पाकिस्तान ने सीमा पर फिर एक बार नापाक हरकत कर दी है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से अमृतसर के बॉर्डर क्षेत्र में 2 किलो RDX से भरा टिफिन बम फेंक दिया। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान सीमा से सटे अमृतसर के गांव इलाके के पास ये टिफिन बम बरामद किया है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों सतर्क हो चुकी हैं। पंजाब पुलिस की ओर से आतंकी हमले की आशंका के कारण लोगों को सतर्क रहने को अलर्ट कर दिया गया है। BSF और पंजाब पुलिस के जवान पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में बड़े बम धमाके की तैयारी थी। गांव इलाके के पास ये बम मिला। BSF और पंजाब पुलिस पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन में जुटी है। पुलिस ने बताया कि ये बम सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से फेंका गया है। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता ने चंडीगढ़ में कहा कि इसमें 2 किलो RDX था। इसमें स्विच मैकेनिज्म वाला टाइम बम था। इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म, मैग्नेटिक और 3 डेटोनेटर भी मिले। संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। RDX और टिफिन बम मिलने के बाद से गांव के लोग दहशत में हैं। आपको बता दें, अगर ये बम यहां ड्रोन से गिरते समय फट जाता तो दर्जनों लोगों की जान जा सकती थी। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार की रात भारत पाक सीमा पर ड्रोन की आवाज सुनी गई थी। गांव के लोगों ने तुरंत पुलिस और BSF के अधिकारियों को जानकारी दी। शनिवार रात को ही क्षेत्र में BSF के जवानों और पुलिसकर्मियों ने सर्च अभियान चलाना शुरू किया, जिसके बाद ये बम बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।